चुनाव में वोट लेकर के आ जाते हैं मासूम जनता को गुमराह करके, और वोट वहाँ पर आने के बाद फिर ये अपना मनुवादी एजेंडा लागू करते हैं। अगर चुनाव नहीं होते तो ये तो बिल्कुल सरकारी सांड की तरह है, ये उसको पागल गधे की तरह है, ये उसको पास कर लेते कि जो इनके अंदर षड्यंत्र चल रहा है, इनके दिमाग में षड्यंत्र चल रहा है, क्योंकि अब इनको लग रहा है कि अब ये देश हमारे हाथ से निकलने वाला है। जनता का बहुमत, जनता का इनके अंधभक्तों को छोड़ करके, इनकी विचारधारा के लोगों को छोड़ करके जनता पूरी तरह से खिलाफ है, इनके विरुद्ध। जब इनको ठेकेदारी बहुत पसंद है ना, तो अब तुम इन सरकारों को भी ठेके पे भेज दो, अब भेज दो इनको निरंतर काल के लिए, चीर काल के लिए ठेके पे भेज दो, और इनको कहो कि ठेकेदारी का मजा तुम्हें बताएंगे कैसा होता है। तुम दर दर घूमोगे मगर हम तुम्हें वापस सरकार में नहीं लाएंगे, और अब की बार इन मनुवादियों को हम अनंत काल के लिए, चीर काल के लिए हम इनको ठेके पे भेजें। को ये बदलने के लिए कुछ तिकड़म ला रहे हो तो वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन, ये पूरी तरह से जनता विरोधी है, संविधान विरोधी है। हमारे गुलाम सांसद वो गुलामी का काम करते हैं, वो हमारे हमारे हक में नहीं काम करते, तो ऐसे गुलामों का क्या करोगे जी? अब तुम चुनाव के समय पे 200 रुपए कम करके क्या सौगात दे रहे हो? ये गुमराह कर रहे हैं। मैं कहूंगा उन बहनों से या उन लोगों से, भैया अंधभक्त बने रहो लेकिन इतने मत बनो कि कम से कम तुम बर्बाद हो जाओ, लुट जाओ, और अभी व्यवस्था को बदलो, सरकार बदलो। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हमारे साथ मौजूद है अशोक अज्ञानी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार सरकार की नीतियों का खुलकर उस पर बात करते हैं, विरोध करते हैं, गलत है तो गलत, सही है तो सही। अभी जो है एक और चर्चा में आ गई है, एक और नीति, वन नेशन वन इलेक्शन, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, नई नहीं है, ये इनकी पुरानी साजिश थी, और इस संविधान को ख़त्म करने के लिए खासतौर पे, और जवाबदेही से बचने के लिए, और अपनी मनमानी गुंडागर्दी करने के लिए डिक्टेटरशिप, इन्होंने कहा वन नेशन वन इलेक्शन। और उससे पहले इन्होंने दो पार्टी सिस्टम का भी बहुत पैरवी की थी अमेरिका की तर्ज पे, लेकिन ये भूल गए कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, इस डेमोक्रेसी में ये संभव नहीं है। क्योंकि जब आप लोकसभा में चुन के आ जाते हो, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार बना लेते हो, और फिर उसके बाद अलग अलग राज्यों में, कभी दो राज्यों में, कभी चार राज्यों में, कभी छह राज्यों में, कभी पंचायत के चुनाव, कभी आपके मेयर के चुनाव, कभी नगर पालिकाओं के चुनाव, जब इस तरह से चुनाव होते हैं तो उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या स्टेट गवर्नमेंट जो चुनी गई है, उनको फिर जवाबदेही होती है कि जब आप चुनाव में जा रहे हैं, आपकी पार्टी नए चुनाव में जा रहे हो, तो आपको बताना पड़ता है कि अपनी परफॉर्मेंस क्या है, आपने कितना काम किया जनता के लिए। आपने जो घोषणा पत्र दिया था 2 करोड़, आपने कहा कि भैया हम वो देंगे, रोजगार देंगे, आपने कहा हम धरती बिकने नहीं, देश नहीं बिकने देंगे, आपने कहा कि संविधान को हम बहुत प्यार करते हैं, मगर आप विपरीत करके सब उसको तोड़ताड़ के बराबर कर दिया, आपने लाल किला भी बेच दिया, आपने सब बेच बाज के बराबर कर दिया। अब आप ये बताएं कि भैया आप सरकार, आप लोगों को क्या बताओगे आप? तो अब ये उस जवाबदेही से बचने के लिए और अपने को एक मुश्त पावर पाने के लिए, क्योंकि जब एक बार चुनाव होंगे पूरे देश में वन टू ऑल, तो एक ही पार्टी जीत जाएगी उसमें, तो फिर उसकी पूरी डिक्टेटरशिप चलेगी लोकसभा में भी, और उसके बाद राज्यसभा में भी वो आ जाएंगे, तो फिर वो अपनी मन मर्जी से जिस भी लेजिस्लेशन को बनाएंगे, जो संविधान में अमेंडमेंट करें, चाहे संविधान को ख़त्म करें, और फिर जो मर्जी करें, और फिर उसके बाद इनके पास कोई जवाबदेही नहीं होगी कि 5 साल इनको जनता में जाना ही नहीं है, 5 साल तक इनको अपनी मनमर्जी करनी है, क्योंकि जनता सवाल ही नहीं पूछ सकती। सवाल तो जब पूछती है ना, चुनाव जो होता है वो एक तरह का दूसरा रेफरेंडम होता है कि आपकी जो सरकार एक साल हो गए और उसके बाद कोई चुनाव आए किसी राज्य में, तो आप बताओगे कि हमने जनहित के इतने काम किए, रोजगार इतने दिए, इतना हमने बजट बढ़ाया। जो जब भी चुनाव आते हैं, चाहे लोकसभा होता है तो उस वक्त काम गिनाते हैं, फिर राज्य चुनाव आते हैं तो उस वक्त भी, इस तरीके से 5 साल के लिए सरकार एकदम से खुला हो जाएगी? हाँ बिल्कुल खुला हो जाएगी। वो ये चाहते हैं कि 5 साल इनको कोई भी जवाब देना ना पड़े, क्योंकि घोषणा पत्र देके मीठे मीठे वादे करके ये चुनाव में वोट लेकर के आ जाते हैं मासूम जनता को गुमराह करके, और वोट वहाँ पर आने के बाद फिर ये अपना मनुवादी एजेंडा लागू करते हैं। देखिए, जिस अमेरिका की ये बात कर रहे हैं, उस अमेरिका में भी ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी ये वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, वहाँ पर भी जो राष्ट्रपति चुनाव होता है उसके बाद मेयर के और दुनिया भर के चुनाव, वहाँ तो हर महीने चुनाव होते हैं, इतना बड़ा अमेरिका है, हर महीने छोटे बड़े सारे राज्यों के चुनाव होते हैं। तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी कि आप इस डेमोक्रेसी को इसलिए ख़त्म कर रहे हो क्योंकि आपको डिक्टेटरशिप चाहिए, जनता की जवाबदेही से भागना है, आपको राज्यसभा में बहुमत पाना है, लोकसभा के साथ राज्यसभा में पाना है। तो इनकी बहुत भारी साजिश है, किस नाम पर? कि भैया पैसा बहुत खर्चा होता है, अरे अपनी डेमो और समय की बर्बादी से बचेंगे, ये खाली यही कह रहे हैं। लेकिन आपका एक आदमी, एक अडानी,
जिसने 14 लाख करोड़ रुपए डुबो दिए और आपने उफ तक नहीं करी। अगर आपको इस पैसे का इतना ही तकलीफ है तो अडानी को जेल में डालो ना, अडानी से बोलो 14 लाख करोड़ रुपए इस देश की जनता के, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक से, सरकारी बैंकों से कर्जा लेकर के 14 लाख करोड़ बर्बाद किए। उस पब्लिक सेक्टर बैंक में एक छोटे बड़े हर आदमी का, मेरा भी पैसा होता है, चाहे 500 हो, चाहे 400 हो, 1000 हो, हर आदमी अपनी बचत का पैसा रखता है। वो बचत तुमने एक पूंजीपति को दे दिया, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसे सैकड़ों पूंजीपति हैं जिनके इन्होंने 15 लाख करोड़ रुपए इन्होंने पिछले 2 साल में उनके माफ करें, उन निकम्मे पूंजीपतियों के जो घाटा खा गए और हमारा पैसा बैंकों का वापस नहीं करा, उनको इन्होंने राइट ऑफ कर दिया वो कर्जे। आज देश में तुमने 2 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा कर्जा, 100 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा कर्जा लिया विदेशों से। तो ये सरकार जनता की जवाबदेही को ना हो, 5 साल पूरे एक बार जीत जाए, बस मस्त होकर के बैठ जाए। जनता की बात करें तो गहराई से बात करेंगे कि किस हद तक इस बात से जनता को नुकसान हो सकता है? नहीं, हर बात ये तो बिल्कुल 100% नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि अब ये हालत है कि जब चुनाव आ रहे हैं, मान लो अभी नवंबर में 4 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, तो सारी पार्टी हरकत में है, तो इनको भी कुछ लचीलापन अपनाना पड़ता है। कोई ऐसे जन विरोधी ये काम करें या कोई ऐसा कानून लेकर के आएँ जो SC ST के खिलाफ हो, महिलाओं के खिलाफ हो, जैसे इन्होंने अभी वन नेशन वन लेजिस्लेशन वाला जो आर्टिकल 44 में जो ये कानून था वापस लिया ना इन्होंने पिछली ये लोकसभा में, पिछले सत्र में इन्होंने उस पर चर्चा नहीं की, क्योंकि इनको पता 4 राज्यों में इनको चुनाव में जाना है, इनको वोट चाहिए जनता का, तो इसलिए इन्होंने उसका नाम नहीं लिया। अगर चुनाव नहीं होते तो ये तो बिल्कुल सरकारी सांड की तरह, ये उसको पागल गधे की तरह ये उसको पास कर लेते, क्योंकि लोकसभा में भी इनका वो होता और राज्यसभा में भी इनका वो बहुमत हो जाता। तो इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का मैं घोर विरोध करता हूं। अगर ये करना होता तो बाबा साहब पहले ही कर गए होते, जब 1951 में रिप्रेजेंटेशन एक्ट बना संविधान अनुसार, तो तभी हो गया होता कि भाई सारे देश में एक साथ चुनाव होंगे, लोकसभा और राज्यसभा राज्यों के, और तमाम चुनाव एक साथ होंगे। तो बाबा साहब ने होने नहीं दिया, क्योंकि बाबा साहब को पता था कि जो एक बार चुन गया नुकसान उनका पता था। हाँ, भारी नुकसान था, जो मर्जी अमेंडमेंट करें, फिर ये जनता के लिए जो डिक्टेटरशिप करें, 5 साल इनको कोई जवाब नहीं देना, जनता में जाना नहीं है, और इस तरीके से ये तिकड़म करेंगे तो वन नेशन वन इलेक्शन ये पूरी तरह से जनता विरोधी है, संविधान विरोधी है, और इसका मैं कड़ा विरोध करता हूँ। 18 से 22 सितंबर तक राज्यसभा लोकसभा के विशेष सत्र बुलाए गए हैं अमृतकाल के तहत, उसमें कहा जा रहा है कि इस पर बात होगी, महिलाओं के आरक्षण के बारे में बात होगी। नहीं देखिए, इनकी बहुत बड़ी साजिश है ये, क्योंकि जो 4 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं उससे पहले ये कोई बड़ा कोई कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा कोई बिल लाने के चक्कर में है या कुछ ऐसी चीज़ पास करवाने के चक्कर में है कि जो इनके अंदर षड्यंत्र चल रहा है, इनके दिमाग में षड्यंत्र चल रहा है, क्योंकि अब इनको लग रहा है कि अब ये देश हमारे हाथ से निकलने वाला है। जनता का बहुमत, जनता का इनके अंधभक्तों को छोड़ करके, इनकी विचारधारा के लोगों को छोड़ करके, जनता पूरी तरह से खिलाफ है, इनके विरुद्ध है, चाहे महिलाएं हों, आदिवासी हों, SC हों, चाहे OBC हों, चाहे वो जनरल भी क्यों ना हो, जो भूमिहीन है, गरीब तबके हैं जनरल के, सामान्य वर्ग के, वो भी इनके विरुद्ध हैं। नौजवान, क्योंकि नौकरियाँ नहीं मिली, बेरोजगारी भयंकर फैली हुई है, और जो इतनी महंगाई जितनी चरम पर है, और जो ये दंगे हो रहे हैं जिस दंगों में महिलाओं को निर्वस्त किया जा रहा है और किसी की सुनी नहीं जा रही है, तो इसी तरीके से ये इसके खिलाफ है, तो इसको ये बदलने के लिए कुछ तिकड़म ला रहे हो। महिलाओं में एक उम्मीद जाग गई है कि इस सत्र में जो है महिलाओं का जो आरक्षण का जो बिल हर बार पास होने से रह जाता है विवाद के चलते, उनमें उम्मीद जग गई है कि इस बार शायद पास हो जाए। नहीं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा ना। अगर मान लो रिजर्वेशन का बिल पास भी हो गया तो ऐसी महिला आएंगी वो जो उनकी गुलाम पार्टियों की गुलाम, जैसी हमारी राष्ट्रपति जी बैठी हैं, जब वहाँ पर वो 2 महिलाओं को निर्वस्त किया, मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त घुमाया गया उनके, और वहाँ पर इतने लोग जिंदा जला दिए, आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार हुए, तो एक शब्द नहीं निकला। हमारी वो आदिवासी राष्ट्रपति जो हमारी महामहिम है, उनके पास इतनी शक्तियाँ, उन्होंने नहीं बोला। और दूसरा, जो वहाँ पर जो BJP की वो जो वहाँ पर महिला सांसद हैं, जो संसद में बैठी हैं बहुत, और मंत्री भी हैं, उनका भी एक शब्द नहीं निकला उन महिलाओं के प्रति संवेदना में, उनके समर्थन में, उनके अधिकार, उनके बारे में एक शब्द नहीं फूटा। तो ऐसे गुलामों का क्या करोगे जी आप, जो गुलाम महिला रिजर्वेशन से, वो हम तो खुद ही परेशान हैं। राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति महामहिम को गुलाम बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल है। मुझे बताओ क्या इन्होंने क्या बोला, राष्ट्रपति जी ने क्या बोला
क्या बोला राष्ट्रपति जी ने, जब जब मणिपुर की जो दो महिलाएं को नग्न घुमाया, एक स्टेटमेंट बता दो, वो सरकार को नोटिस दे सकती थी ना, वो उसको वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकती थी ना, वहाँ पर मणिपुर में उनके पास पावर है, संविधान में शक्तियाँ हैं, वो भारत सरकार से जवाब मांग सकती थी ना, लेकिन उनका एक भी उसके ऊपर एक समर्थन में या उनके उस घटना के विरोध में एक भी उनका ट्वीट नहीं है, एक भी उनका स्टेटमेंट नहीं है। तो ये पॉलिटिकल पार्टियों ने बना रखा है कि भैया इनको राष्ट्रपति बना दो, मंत्री बना दो, सांसद बना दो, मगर बोलना मत, बोलोगे तो हमारी मर्जी से बोलोगे, बीप जारी कर देते हैं। पता आपको, जब लोकसभा सत्र होता है तो इस सबको बीप जारी कर देते हैं और बोलते हैं वहाँ पर आना और तुमने बोलना नहीं है, जो हम कहेंगे दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। उसी तरह हमारे भी 132 गुलाम सांसद एससी एसटी के जो कांग्रेस में, बीजेपी में और इन मनुवादी पार्टियों से बन करके आए, वो हमारे नहीं है, वो गुलाम है, उनकी आवाज़ नहीं निकलती। इसी तरह एट्रोसिटी होती है, कोई हमारे मुँह पे मूत के चला जाए, कोई हमारी मूँछे उखाड़ दे, कोई हमारे बच्चे को वहाँ बामण के मटके से, टीचर के मटके से पानी पीने के ऊपर मार मार के, पीट पीट के मार दें, जितना मर्जी हमारे पर एट्रोसिटी हो जाए, हमारे गुलाम सांसद वो गुलामी का काम करते हैं, वो हमारे हक में नहीं काम करते। तो ये रिजर्वेशन का अगर पास भी कर देंगे तो ये वोट के चक्कर में करेंगे, तो इन पार्टियों से जो और थोड़ी ज़्यादा महिलाएं आ जाएंगी एससी एसटी की, या जो जनरल महिलाएं और कुछ चुन के आ जाएंगी, मगर उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी ये चुनाव के बाद जो नई व्यवस्था आएगी, वो नई व्यवस्था अपने ढंग से संविधान को लागू करे, जिससे कि भविष्य में सबको बराबर रिप्रेजेंटेशन मिले। और वो सांसद, वो प्रतिनिधि बन के आए, सांसद विधायक ऐसे प्रतिनिधि बन के आए जो पार्टी की लाइन पे ना चलें। अगर कोई पार्टी उनकी, जिस पार्टी से चुन के आए, वो गलत भी कर रही है, गलत नीतियां सरकार के प्रति ला रही है, तो उसका मुँह तोड़ जवाब दें, संसद में जवाब मांगें और अपने वर्गों के प्रति वफादार रहें। ऐसे प्रतिनिधि हमें चाहिए। तो आखिर जो राष्ट्रपति हैं, वो पहले बहुत बोलती थी, पहले आए दिन जब वो राज्यपाल हुआ करती थी, घर घर जाकर लोगों से बातचीत करती थी, और ऐसी तमाम उनकी खबरें आई थी जब राष्ट्रपति बनना था उस वक्त। अब क्या हो गया कि राष्ट्रपति गुंगी गुड़िया हो गई है, कुछ बोलती ही नहीं है? हाँ जी, यही तो बात है ना। देखिए, उस समय राज्यपाल कहती भी हैं कि सबसे ज़्यादा जो जेल में बंद है वो एस सी एस टी के लोग हैं, इस बात के लिए दुख जताती है, पर कुछ करती नहीं है। हाँ देखिए, ये एक अपने आप में बड़ी बात, जब वो गवर्नर तक थी तो तब उनका इस्तेमाल हो रहा था, उनको कहा गया था कि आप काम करो और जो एस सी एस टी के और लोगों को अपने साथ भर्ती करो, जिससे कि सरकार बने और हम आपको राष्ट्रपति तक पहुंचा पाएँ, राष्ट्रपति बना पाएँ। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद वो एक लास्ट आखिरी पद है और वो सुप्रीम पद है, पहला नागरिक है देश का राष्ट्रपति। अब उसके बाद उसने कहा भैया मस्त हो गए, अपना राष्ट्रपति पीरियड कर लो, जीवन भर पेंशन मिलेगी, बढ़िया सुविधाएं मिलेंगी, अब हमारी तो हो गई सेवा, पार्टी सेवा, अब समाज के लिए क्या बोलना है। जब उन्होंने कहा कि भैया सारे एस सी एस टी के लोग वहाँ जेलों में ज़्यादातर होते हैं, भावुक हो गई, तो भाई आपने सरकार को बुला करके उस पर क्या किया? एक बजट में एक पास तो हुआ, वो एक बजट तो पास हुआ, लेकिन क्या लोगों तक इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई कमेटी, कोई बोर्ड, कोई इस तरह का गठन हुआ और उसमें हमारे लोग रखे जाएं, जिससे कि एस सी एस टी के लोग उसको इम्प्लीमेंट करें, जमानते कराएं उनका, हमारे वकीलों को जिसमें रिप्रेजेंटेशन मिले। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, सिर्फ वो काम उतना काम करते हैं जितना जनता के वोट लेने के लिए सफिशेंट है, गुमराह करके उनको भावनाओं को वो करके और ये वोट ले लें और उसके बाद सरकार में आकर के फिर ये 5 साल इनको जवाब ना देना पड़े। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन को लाना चाहते हैं कि जनता को झूठ बोल दो 5 साल पहले और चुनने के बाद पूरे देश में आके फिर आपको 5 साल ना तो सच बोलने की जरूरत है ना झूठ। सवाल और लूंगी, प्रधानमंत्री ने 200 रुपये सिलेंडर पे दाम कम कर दिए, रक्षाबंधन की सौगात दी, बाद में जो है महिलाएं उनको धन्यवाद बोल रही हैं। देखिए, उनकी पार्टी की महिलाएं जो धन्यवाद कह रही हैं, संगठन भी तो है ना, उनका बड़ा संगठन नहीं, है नहीं, आम जनता ने, बीजेपी ने बकायदा ऐसा वीडियो शेयर किया है कि महिलाएं धन्यवाद होते हैं, वो उन्हीं के लोग होते हैं, वो सब जनता भी तो वो जो पार्टी का कार्यकर्ता भी तो जनता ही होते हैं ना। उन्होंने कहा जब आपने इतने साल, कम से कम 8 साल आपने 400 रुपये, 350 रुपये के सिलेंडर के 1100 रुपये आपने पैसे, आपने चर्बी तो उतार ली, हमारी तो सब लूट लिया हमें, अब तुम चुनाव के समय पे 200 रुपये कम करके क्या सौगात दे रहे हो? ये तो जनता को जो धन्यवाद कर रहे हैं उनको धन्यवाद ना करके इनसे सवाल पूछना चाहिए कि भाई अब तो तुमने जो 8 साल से हमें लूटा है, महीने के लगा लो 650 रुपये एक्स्ट्रा आपने लिए हैं, उसके हिसाब से हमें 8 साल का वो एरियर के ब्याज के साथ वापस करो हमें एरियर, और तब ये 200 रुपये नहीं, हमें तो उसी रेट में दो, 400 रुपये के 350 रुपये के रेट में दो। ये तुम क्या हमें एहसान कर रहे हो? ये जनता समझ गई है कि ये गुमराह कर रहे हैं। ये 200 रुपये बहनों को, तुम बहनें तुम्हें तब याद नहीं आई कि जब बहनों ने सिलेंडर उठा करके नदियों में फेंक दिए, जो सिलेंडर तुमने दिए उनसे भरवाए भी नहीं गए दोबारा, तो ये तुम्हें तब नहीं दिखाई दिए कि बहनों को नंगा घुमाया जा रहा है? तुम्हें तब नहीं दिखाई दिए
महिलाओं के साथ व्यभिचार हो रहा है, तुम्हें तब नहीं दिखाई दिए कि महिलाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उनकी शिक्षा तुमने छीन ली, उनके सारे सरकारी स्कूल, 60,000 सरकारी स्कूल बंद करे पिछले 10 साल में, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? तो इस तरीके से ये गुमराह कर रहे हैं। मैं कहूँगा उन बहनों से या उन लोगों से, भैया अंधभक्त बने रहो लेकिन इतने मत बनो कि कम से कम तुम बर्बाद हो जाओ, लुट जाओ, और अभी व्यवस्था को बदलो, सरकार बदलो 2024 में। अच्छा डेमोक्रेसी है, भले ही बाद में लिया ना, लेकिन इस बार इनको रेस्ट दे दो, क्योंकि ये एक चीज़ पे और विश्वास करते हैं, मनुवादी ठेकेदारी सिस्टम पर। तो जब सारे मजदूर इन्होंने ठेके पे कर दिए, सारे एम्प्लॉय ठेके पे कर दिए, तो जितने मजदूर हैं उनके फैमिली है, मैं कह रहा हूँ भाई अब तुम्हारे पास मौका है, जब इनको ठेकेदारी बहुत पसंद है ना, तो अब तुम इन सरकारों को भी ठेके पे भेज दो, अब भेज दो इनको निरंतर काल के लिए, चीर काल के लिए ठेके पे भेज दो, और इनको कहो कि ठेकेदारी का मजा तुम्हें बताएंगे कैसा होता है। तुम दर दर घूमोगे मगर हम तुम्हें वापस सरकार में नहीं लाएंगे, और अब की बार इन मनुवादियों को हम अनंत काल के लिए, चीर काल के लिए हम इनको ठेके पे भेजेंगे। तो पूरे देश में जो है वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा जो है अभी बहुत ही चर्चाओं में है, और इसका विपक्षी विरोध कर रहे हैं, सत्ता पक्ष वाले जो हैं वो लगातार दलील दे रहे हैं कि ये क्यों अच्छा है। बाकी पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, आप क्या सोचते हैं वन नेशन वन इलेक्शन का जो है कितना नुकसानदायक और कितना फ़ायदेमंद है, आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।